Today we are here with summary of line by summary of poem 3, Keeping Quiet. In this poem, you will find the poet wants to tell us about the importance of introspection. Introspection means atam jaanch, apne aap ko jaanchna. Theek hai? Yes, sir. Thank you, sir. जैसे एक अलेक्जेंडर पोप ने भी कहा है, नो देन दाई सेल्फ प्रज्यूम नॉट गो टू स्कैन प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, कि हमें अपने आप को जांचना चाहिए। जैसे गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, बुरा जो देखन मैं चलिया, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन देखा आपना तो मोह से बुरा ना कोई। सुना होगा आपने ये सब? Yes, sir. इसी थीम पर ये पोइम है। अब मैं पोइम पढ़ता हूँ। Now we will count to 12 and we will all keep still. पोइट कहता है, पोइट ने एक मन तैयार कर लिया हम सबका कि भाई, जैसे कहते ना रेडी स्टडी गो, ऐसे ही पोइट ने कहा कि मैं 12 गिनूंगा, 12 गिनते ही हर आदमी शांत हो जाएगा और अपने कामों के बारे में सोचेगा कि क्या वो ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है। अगर वो गलत कर रहा है तो वो अपने आप को ठीक कर लेगा, अगर वो ठीक कर रहा है तो वो कैरी ऑन यानी कि आगे जारी रखेगा। 12 यहाँ पर जो हमारा क्लॉक होता है उसके अंदर भी 12 सुइयां होती है घंटे की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो कहने का मतलब ये है कि पोइट ये कहता है कि आपको 12 घंटे लग जाए या 24 घंटे लग जाए, प्लीज आज अच्छे से अपने आप को जांच करके ही आगे बढ़ना। इसलिए वो कहता है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, कि मैं अब 12 गिनता हूं, आप सब शांत हो जाएं। ओके ओके सर। आगे अगला स्टैंजा आपके पास कॉपी बुक होगी, इसमें लिख रखा है, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। कवि कहता है जब आप सब शांत हो जाएंगे तो क्या होगा, कोई लैंग्वेज, कोई हिंदी, मलयालम, तमिल, उर्दू, फारसी, कोई भाषा नहीं होगी, सबकी एक ही भाषा होगी, वो क्या, हम सब इंसान हैं। तो कवि यहाँ पर एक बड़ा संदेश हमें देना चाहता है कि हम भाषा के आधार पर न जाने आपस में क्यों लड़ते रहते हैं। हम कभी, आप देखो किसी से पूछोगे ना, कोई बोल रहा है, किसी से पूछोगे भाई ये कौन है, उसकी भाषा सुनकर के आप क्या कहोगे, अरे ये तो तमिल है, ये तो मलयाली है, ये तो पंजाबी है, ये तो सिंधी है, कहोगे कि नहीं कहोगे? सर। तो कवि कहता है नहीं, हमने क्या कहना है, ये तो हमारा भाई है। इसलिए कवि कहता है आप सब चुप हो जाओ, जब चुप हो करके एक समान खड़े हैं तो फिर आप कम से कम भाषा के आधार पर जो लड़ाइयां लड़ते हैं वो नहीं लड़ पाओगे। हम सब इंसान हैं, ये संदेश कवि देना चाहता है। आगे है, लेट अस स्टॉप फॉर वन सेकंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। आगे कवि कहता है किसने चोक उठा रखा है वो भी चुप हो जाओ, किसने फावड़ा उठा रखा है वो भी चुप हो जाओ, किसने गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ रखा है वो भी चुप हो जाओ, किसने स्टेथोस्कोप ले रखा है वो भी चुप हो जाओ। तो क्यों? क्योंकि कवि हमें दिखाना चाहता है कि हम काम के आधार पर न जाने क्यों क्या कर लेते हैं, वर्गवाद, डिस्क्रिमिनेशन कर लेते हैं, अरे अरे ये तो भंगी है, अरे ये तो मजदूर है, अरे ये तो ये नहीं। हमें ये कहना चाहिए ये सब क्या है, इंसान है, भाई है। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। तो आपने पहला स्टैंजा में दो बड़ी बातें कवि की सुनी कि हमें भाषा के आधार पर, और हमें काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। आगे चलूं? यस सर। Yes, sir. It would be an exporting moment without rush, without engine. कवि कहता है कि ये बड़ा exporting, मैंने बड़ा अजीब होगा जब मैंने सारी पृथ्वी को
रोक दिया, सारी पृथ्वी के वासियों को रोक दिया और वो सारे शांत खड़े हो गए। है तो बड़ी अजीब सी बात, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए सही, कोई इंजन नहीं चल रहा, कोई भागम भाग नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन सडन स्ट्रेंजनेस। इस स्ट्रेंजनेस में, इस अजीबपन में एक चीज तो कॉमन होगी, क्या क्या होगी भाई कॉमन? हम सब इंसान हैं। जब हम सारे सीधे खड़े होंगे, ऐसे ऐसे सीधे खड़े होंगे, तो फिर कौन कहेगा ये मलयाली है, कौन कहेगा ये ऊंचा है, कौन कहेगा ये नीचा है, है ना? आपने पी के फिल्म में भी देखा होगा। यस सर। जब उसकी टोपी उसको पहना दी तो फिर क्या हो गया, वो कहता कि ये तो जी मलयाली है या ये तो मुसलमान है, जबकि वो निकला मान लो क्रिश्चियन। क्यों? क्योंकि हमने उसको मुसलमान किस बेस पर कहा था, केवल उसने जो मुसलमान की टोपी पहन रखी थी ना उस बेस पर। क्यों? Yes, sir. तो यही कवि कहता है कि हम जब सब सीधे खड़े हो जाएंगे, कोई भी बात नहीं करेगा, कोई भी अपना काम नहीं करेगा, तो कम से कम यहां से एक सबक तो सीखने को मिलेगा कि हम सब एक हैं। आगे कवि पार्टिकुलर कुछ आदमियों को रोक करके कहता है, जैसे वहां मछुआरे काम कर रहे थे, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। आगे कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे, कवि ने उसको कहा मछुआरों को, भाई आप ये सही कर रहे हैं, मछलियों को मार रहे हैं? उसने कहा हाँ जी, हाँ जी सही कर रहा हूं मैं तो। उसने कहा चलो आप है ना ऐसे नहीं, बड़े आराम से सोच करके मुझे बताएं। तो जब मछुआरे ने बड़ा ध्यान लगा करके सोच करके देखा, तो उसने देखा यार मेरा इन मछलियों ने, इन व्हेल मछलियों ने क्या बिगाड़ा है जो मैंने लाखों मछलियां मार दी। तो कहने का मतलब है कि जो पशुओं पर अत्याचार करते हैं वो लोग भी जरा सोचें, आप अपनी कमाई के लिए पशुओं पर अत्याचार क्यों करते हैं? द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट्स हैंड्स। आगे कुछ ना नमक इकट्ठा कर रहे थे लोग भाई अपना, उनका क्या है हाथ हाथ गड़ गए थे काम करते करते, तो कभी उनको भी कहता है कि आप भाई रुको, आपने पैसा कमाने के चक्कर में अपने हाथों को भी गला लिया, ये देखा नहीं दिन काम कर रहे हैं कि रात काम कर रहे हैं। तो कवि यहां पर उन लोगों को कह रहा है जो दिन रात पैसा कमाने के पीछे भागते रहते हैं, ना प्रॉपर सो पाते हैं, ना प्रॉपर खा पाते हैं, 20 बीमारियां उनको लग जाती है, डायबिटीज, शुगर, बीपी। कवि कहते क्यों इतना पैसा कहां लेके जाओगे जब आप खुद ही नहीं रहोगे? समझ में आ रही है आपको बात? Yes, sir. तो कवि ये कह रहा है, उन लोगों को भी कवि रोक रहा है जो, यहाँ पर एक एग्जांपल है कि आदमी नमक इकट्ठा करने वाले आदमी अपने हाथ गला लेते हैं पैसा कमाने के चक्कर में। यहाँ पर एक ये तो केवल एक रूपक है, मतलब क्या है, वो सारे इंसान जो दिन रात को मीटिंगों में अटेंड है, कोई ट्यूशन करके पहले स्कूल का करा, फिर 5-5, 7-7 ग्रुप ट्यूशन कर रहा है, 20 बीमारियां लग गई है, ऐसे ही हर इंसान जो अपने शरीर के कोष्ट पर पैसा कमाता है, कवि उनको भी कहता है भाई नहीं, अपना शरीर भी जरूरी है। आगे कवि रोक रहा है किनको, जो लोग युद्ध करने के लिए तैयार हैं, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्ज, वार्ज विद गैस, वार्ज विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। हाँ जी बोले चीन, बोले हम पर हमला कर देगा, हम चीन पर हमला कर देंगे। भाई क्यों, क्या मिल जाएगा? 10,000 सैनिक हमारे मर जाएंगे, 10,000 सैनिक उनके मर जाएंगे, तो क्या मिल जाएगा? तो कवि कहता है जो ग्रीन वार, यहां पर कोई हरे युद्ध नहीं, जो युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस से, फायर हाथ के गोलों से, कहते क्यों जब कोई बचेगा ही नहीं। जैसे महाभारत का जब युद्ध हुआ तो सारे पांडव, सारे कौरव, लगभग उनके रिश्तेदार सारे मारे गए, तो युधिष्ठिर बोला अरे भाई ये युद्ध था क्या? अगर मुझे पता होता कि ये इतना सारा नुकसान मुझे होने वाला है तो मैं युद्ध करता ही नहीं। तो ऐसे ही हम सोचते नहीं। तो कभी कहता है उन लोगों को जो युद्ध की तैयारियां करने के लिए तैयार हो रहे हैं, भाई आप युद्ध ना करें, युद्ध करने से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है सर, एक बार लास्ट लाइन
दीजिए लास्ट लाइन सर। कौन सी? आप ये कह रहे थे कि भाई युद्ध वाली सर, युद्ध वाली। युद्ध में ये कह रहा था, युद्ध पे जीतने पर हासिल किसी को भी कुछ नहीं होता, जो हार गए वो तो वैसे हार गए, जो जीत भी गए सैनिक तो उनके भी मरे हैं। क्यों? यस सर। तो वही कह रहा है कि आप ये ना सोचो आप जीत जाओगे तो पता नहीं क्या मिल जाएगा, नुकसान तो आपको भी झेलना पड़ेगा, इसलिए अच्छा ये है युद्ध ना करो। ठीक है जी। ओके सर। आगे है वुड, आगे कभी कहता है उन लोगों को जो बड़े सुंदर सुंदर कपड़े डाले हुए हैं, खासतौर पर नेता लोग, जो आपने देखा नेता जो है बढ़िया महंगे से महंगा सफेद कुर्ता पजामा डाल रहे हैं महंगे महंगे, उनको भी कह रहा है वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर इन सेड डूइंग नथिंग। नेता लोग या जो लोग बहुत अमीर हैं, जो छतरी के नीचे यानी कि जो एसी गाड़ियों में रहते हैं, कभी उनको भी कहता है कि भाई आप प्लीज बड़े बड़े वायदे करके आए थे सत्ता में, आज आप प्लीज आम आदमी के लिए कुछ तो करिए। वो कहते नहीं जी मैं तो करता हूं, नहीं 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 मेरे को मत बताओ, कभी कहता है आप अपनी अंतर आत्मा को बताओ कि आप करते हो या नहीं करते हो, अगर आपकी अंतर आत्मा कहती है कि आप करते हो मतलब भी ठीक है, लेकिन अंतर आत्मा झूठ नहीं बोलती, कभी को ये बात पता है। यहां तक समझ में आ गई आपको? यस सर। यस सर। अब उससे आगे देखिए, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। कवि आगे अपना पक्ष भी रख रहा है, कभी आपके मन में कवि के प्रति नेगेटिव आ गया, अरे भाई ये कैसा कवि है, सबको कहता है कुछ काम ही मत करो, सबको कहता है खड़े हो जाओ शांत, नहीं नहीं नहीं, कवि कहता है मैं टोटल इनएक्टिविटी नहीं चाहता, मैं ये नहीं चाहता कि आप हर रोज खड़े रहो, मैं तो ये कहता हूं आज अपने आप के बारे में सोच लो, उसमें आपको 10 मिनट लगे, उसमें आपको 1 घंटा लगे, प्लीज केवल मैं इतना ही चाहता हूं। क्यों? लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। कवि को भी पता है कि जिंदगी चलने में है, रुकने में नहीं है, वो तो आपको कुछ पल के लिए रोक रहा है केवल। इफ आई वॉन्ट नॉट ट्रैक विद डेथ, कवि कहता है मेरा मौत के साथ कोई तालमेल नहीं हो रहा, कि मैंने मौत को कह रखा है देखो मैं सारी दुनिया को इनएक्टिव कर दूंगा, नहीं 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 नहीं। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग एंड फॉर वंस डू नथिंग, कवि कहता है हम काम करते करते कभी सोच ही नहीं पाते कि मैं अच्छा कर रहा हूं कि मैं बुरा कर रहा हूं, कभी तो केवल बस इसलिए आपको कुछ पल के लिए रोक रहा है ताकि हम सिंगल माइंडेड बन जाए, ताकि हम एक जैसे सोचने लगे। वो क्या होगा? सिंगल माइंडनेस क्या है भाई? हम सब एक जैसा सोचें समझें, हम सब एक हैं, हम सब इंसान हैं, हम कोई तमिल नहीं है, मलयाली नहीं है, अमीर नहीं है, गरीब नहीं है, डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, हम सब इंसान हैं। कवि हमको ये पाठ पढ़ाना चाहता है और उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। Perhaps a huge silence might interpret this sadness of never understanding ourselves। कवि कहता है शायद जब हम रुक जाएंगे ना तब हम शायद इस उदासी से बाहर निकल पाएंगे। जो कवि के मन में उदासी है, कवि के मन में ये उदासी है कि मनुष्य पैसे के पीछे भागते भागते इतना आगे निकल गया है कि उसको एक इंसान में भाईचारा नहीं नजर आता, उसको इंसानों से घृणा होने लग गई है, उसको गरीब लोगों से घृणा होने लग गई है। कवि कहता है कि ना घृणा ना करो, कवि के मन में ये टीस है, ये सैडनेस है कि भाई इंसान का इंसान से बैर हो गया है, जबकि कवि क्या चाहता है इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही संदेश हमारा। इस थीम पर कवि ने ये कविता लिखी है और थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, और हम जो है ना मौत के मुंह तक पहुंच जाते हैं लेकिन हम भेदभाव करते रहते हैं, कवि कहता नहीं। कवि
इस उपदेश को प्रकृति के माध्यम से भी बताना चाहता है। कैसे? Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. कवि कहता है अगर मैंने आपको कुछ पल के लिए रोक दिया है तो बुरा मत मानिए, प्रकृति भी करती है ऐसा, नेचर भी करती है ऐसा। कैसे? उसने एग्जांपल दिया जैसे पृथ्वी है, आजकल लू पर चल रही है ना भाई? यस सर। आपने देखा पेड़ पौधे निर्जीव हो गए हैं, घास सूख गई है, मैदान क्या हो गया, मिट्टी में हो गए हैं, हरियाली खत्म हो गई है ना? यस सर। आप ये मत समझो कि प्रकृति मर गई है, वो रेस्ट कर रही है, वो कंटेम्पलेट कर रही है, वो इंट्रोस्पेक्ट कर रही है। अभी आप जरा मेरे से बात करना इस जुलाई के लास्ट तक, और फिर देखना प्रकृति जब जैसे ही मानसून आएगा, जैसे ही प्रकृति अपने जोश में आएगी, हरियाली ही हरियाली कर देगी, हरियाली ही हरियाली कर देगी ना? हाँ जी सर। यस सर। ऐसे ही कवि कहता है हम जरा सुस्त होकर के, यानी कि हम जरा शांत होकर के अपने आप के बारे में सोच लें। कवि को विश्वास है उसके बाद जब हम अपने कामों पर लगेंगे तो शायद उसे 3 गुनी ज्यादा एनर्जी के साथ लगेंगे, और जो हमारा थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है वो सारा पूरा हो जाएगा। तो ठीक है, कवि कहते हैं अब मैं 12 गिनता हूं और सब अपने अपने बारे में सोचेंगे।